नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज खबर। मुंगेर जिले में हाल के दिनों में जहां कोरोना संक्रमण का मामला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं गुरुवार को जिले में इस साल के अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें जिले में एक साथ 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 40 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल है। वहीं माधोपुर स्थित समर्पण अस्पताल में चल रहे 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान यहां 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें अस्पताल के एक चिकित्सक और कथावाचिक साध्वी सहित 9 लोग हैं। वहीं इस भागवत कथा ने शहर की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि भागवत कथा में शामिल होने वृंदावन से आए सभी महात्मा किला परिसर स्थित कर्ण विहार में ठहरे हैं, जिसे भी कंटेनमेंट जोन बनाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी रचना पाटिल के पास भेजा गया है। वहीं पिछले एक माह में ही जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण जिले में अब तक 18 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जिसमें बीते बुधवार को जिलाधिकारी द्वारा शहर के राजीव गांधी चौक और संपर्ण हॉस्पिटल को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, जहां गुरुवार को बांस बल्ला लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। के लिए हम लोग सघन अभी टेस्टिंग करा रहे हैं, जिसमें हमारा आरटीपीसीआर एंटीजन टू मिनट का जांच हो रहा है। कल जो हमारे यहाँ जांच किए थे उसमें 59 केस मिला था, टोटल मेरा एक्टिव केस 217 हो गया है। अभी तक पीओ 3926 व्यक्ति हो गए हैं, और कल हम लोग जो टोटल जांच कराए हैं 1461 कल जांच कराए हैं, जिसमें हम लोगों को 59 जो बताया 59 काम के लिए हम लोग लगातार प्रचार प्रसार करा रहे हैं कि लोग मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले या उठ रहे हैं, 2 मीटर की दूरी बना कर रहे हैं, जहाँ भी रहें हाथ को बार बार साफ करें, भीड़ भाड़ का नहीं रहें, भीड़ से दूरी रहें। माइक्रो कंटेनमेंट जोन हमारे जिला में 19 कार्यरत है, उस 19 में एक को हम लोग डीनोटिफाइड कर दिए 18 है, और ये सदर में बना है, जमालपुर में बना है, और असरगंज में बना है, इतना जगह हमारा। बाकी के प्रखंडों में अभी क्या केसेस वहाँ पर प्रोसेस में है, जहाँ जहाँ से वीडियो के द्वारा कंटेनमेंट जोन का प्रस्ताव होता है उसको हम लोग डीएम मैडम के हम लोग उसके साथ कितने निकल रहे हैं? 60 केस आए थे आज, परसों 60 केस आए थे, कल 59 केस आए हैं। केस का यही है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ दिन में धीरे धीरे जितना कचरा प्रसार हो रहा है, लोग अगर संभल कर रहे हैं तो कम हो जाना शुरू हो जाए। आज जब हम लोगों के जांच कराए थे तो 9 पॉजिटिव मिले थे, उसको सील कर दिया गया है। सर एक भी जानते हैं कि आदमी जो है भीड़ भाड़ से दूर नहीं हो रहा है, भीड़ भाड़ लगा कर सामान खरीद रहा है, इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी उन लोगों पर असर नहीं पड़ रहा है, जिस कारण केस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले। और खास करके जहाँ अब तो इसको प्रशासन को देखना है, प्रशासन थोड़ा कड़ाई करेगा तो जो सुधरेगा। आप अपना नाम और पद बता देते हैं? मेरा नाम बाकी